लैंग्वेज एक्टिविटीज़ एट अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन लैबल डियर स्टूडेंट्स मुझे अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन लेवल पर लैंग्वेज एक्टिविटीज़ कौन सी हैं उन पर बात करनी है सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ करिटिकल आस्पेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड अ वाइटी ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ मुखलिफ तरह के लैंग्वेज प्रोग्राम को उनको उसके मौके फ्राहम करने चाहिए द एज वो ऐसी होनी चाहिए कि उस ग्रुप की एज के मुताबिक हों और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट और उनमें ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो और वो मुनासिब हों बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग को या लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स को बढ़ाने में और हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ एट द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेवल ये देखें लर्निंग आउटकम्स एक्टिविटी प्लानर सो so, इसमें देखें लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन फील सेफ सिक्योर आप एक्टिविटीज़ उसकी क्या होंगी टीचर आगे उसमें डिफ़ाइन करेगा और डेट ऑफ कम्प्लीटेड मतलब बच्चों को हर तरह की हादसा से बचाना या कुछ और उनको करंट वगैरह या आग से या इस तरह की चीज़ें उनसे सेव करना इस तरह की वन बाय वन आप एक्टिविटीज़ का ये एक चार्ट आपको दिया हुआ है जिसमें आपको तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों को भी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में शामिल करना चाहिए ताकि उनको अच्छे तरीके से पता हो कि किस तरह इनका इस्तेमाल करना है और उन एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए और उनकी डेट ऑफ कम्प्लीशन है ठीक है और इसी तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो ये है एक्टिविटीज़ का एक चार्ट जो आपके सामने ये एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है अब इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें हैं डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनको वन बाई वन देखेंगे इसमें सबसे पहला है स्टोरी टेलिंग तो स्टोरी टेलिंग इज़ एन एंग, एंगेजिंग वे टू तो डिवेल्प चिल्ड्रंस लैंग्वेज तो बच्चों को लैंग्वेज में इंगेज करने का एक बहुत ही अहम जरिया है स्टोरी टेलिंग टीचर्स कैन रीड स्टोरीज टू तो चिल्ड्रन यूज प्रॉप्स एंड विजुलेट्स टू सपोर्ट द चिल्ड्रन और स्टोरी को भी आगे बढ़ाने के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ तारे ज़िमीं पे मूवी है इंडियन तो उसमें जो टीचर है वो बच्चे बच्चा एक डिसलेक्सिया का पेशेंट है उसको वो इम्प्रूव करने के लिए क्लास में एक है, ऐसे साइंटिस्ट की मिसाल देता है जो स्टोरी की शक्ल में कि जो जिनको ये प्रॉब्लम था और ख़ुद उसको भी ये वो प्रॉब्लम था उस टीचर को भी इब्तदा में या बचपन में तो इस तरह आप स्टोरीज़ से जो बच्चों की रेलिवेंस के मुताबिक हो उनको स्टोरीज़ को आप यूज़ करके उनको आप उनकी जो लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं उनको इंगेज कर सकते हैं आप राइमिंग आपने ख़ुद भी देखा होगा कि जो राइमिंग है जो यानी पोएम्स की शक्ल में गा कर बच्चों को आ, बच्चों को सिखाना मुख्तफ पोएम्स की शक्ल में उर्दू या अंग्रेजी में तो ये इस इससे बच्चे इज़ एन इन्जॉयबल एंड इफेक्टिव वे टू चिलीच द चिल्ड्रन अबाउट लैंग्वेज पैटर्न्स एंड साउंडस लैंग्वेज टीचिंग में जो राइमिंग्स हैं पोएम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है बल्कि मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी टेलिंग के साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है टीचर्स कैन यूज़ राइमिंग सॉन्ग्स गेम्स एंड बुक्स टू हेल्प चिल्ड्रन रिकगनाइज राइमिंग वर्ड्स एंड पैटर्न जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर वट यू आर आप देखें इसमें जो वर्ड्स की तरतीब है जो उनका आना है या टीचर का बोलना है ये सब जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये बच्चों की बच्चों को एक तरह से उसमें गुम कर देते हैं बच्चे दिलचस्पी के साथ उसको सीखते हैं वैकेबलरी बिल्डिंग तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वैकेबलरी बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से और अब ये जो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से या और बहुत सी इसमें एक्टिविटीज़ डिवेल्प हो चुकी हैं जिससे आप वैकेबलरी डिवेल्प कर सकते हैं सो टीचर कैन इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स इन अ वाइटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए पिक्चर बुक्स के ज़रिए एंड गेम्स और टीचर कैन ऑल्सो इनक्रेज चिल्ड्रन टू यूज़ विध न्यू वर्ड्स इन कन्वर्सेशन तो नए अल्फाज को अपनी गुफ्तु में इस्तेमाल करते हुए अब ये देखें क्रैक्टिस लर्निंग के लिए आप ये डिफरेंट जो वर्ड्स यूज कर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें सो प्लेंग एंड एक्सप्लोरिंग एंगेजमेंट ठीक है तो इसके लिए आप पिक्चर्स की मदद से आप उसको स्टूडेंट्स को मुख्तफ एक्टिवटीज़ की मदद से आप उनको एंगेज करके उनके वर्ड्स को तो इसमें जो वकीबलरी बिल्डिंग में आपने एक और भी एक यहाँ जंग अखबार था वो संडे मैगज़ीन उनका निकलता था तो उसमें जंग फज़ल में उर्दू लैंग्वेज के हवाले से मुख्त अल्फाज दिए जाते थे जिनकी को यानी हरूफ दिए जाते थे इनको जोड़ कर अलफा बनाए जाते थे तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट या वकीबलरी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं ड्रामेटिक प्ले तो ड्रामेटिक प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामेटिक यानी चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को या वाक़ को ड्रामाई शक्ल में स्टोरीज़ को ड्रामाई शक्ल में पेश करना इसमें ये एक ड्रामेटिक प्ले, प्ले प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट ऑपरचुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू यूज़ लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल वे असल में ये है कि ये किरदारों को एक मुजसम शक्ल में प्रेजेंट करते हैं जिससे बच्चे किरदार उनके सामने वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक मुजस्म शक्ल में उनके साथ आ, सामने आ जाते हैं जिससे उनके लिए लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यानी लर्निंग परमानेंट होती है और बेहतर हो जाती है तो टीचर कैन सेट अप प्रजेंटेड प्ले एरिया सच एज द रेस्टोरेंट का एक रेस्टोरेंट का आप उसको मंज़र uh, टीचर उसका प्ले बना सकता है या एक डॉक्टर का बना सकता है या एक अदालत का मंजर बना सकता है या कुछ और और जो भी uh, आप टीचर यूज़ करना चाहता है अपने टेक्स्ट के मुताबिक उनको आप बना सकता है एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू इंगेज इन कन्वर्सेशन एंड रोल प्लेइंग तो रोल प्लेइंग और कन्वर्सेशन में बच्चों को शामिल करके वो उनकी हौसला अफजाई करता है पोइट्री नेक्स्ट स्ट्रेटजी है पोइट्री सो पोइट्री इज़ अ ग्रेट वे टू प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों में पोइट्री जैसे पोएम्स हैं ये भी पोइटरी की एक शक्ल या है. जियाार हैं तो असल बात यह है कि देखें जो पोइटरी होती है वो चंद अल्फाज में बहुत बड़ा एक मज़मून बयान कर देते हैं और लैंग्वेज को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से ये प्रेजेंट करते हैं और बच्चों को इस जो पोइटरी के ज़रिए हम उनको इसमें शामिल कर सकते हैं सो तो टीचर कैन इंट्रोड्यूस पोइट्री थ्रू सॉन्ग्स नर्सरी राइम्स एंड बुक्स तो जो गीतों के ज़रिए या कुछ छोट नज़्मों के ज़रिए बच्चों को उनमें शामिल करके और बुक्स की शक्ल में वो बच्चों को उससे लैंग्वेज सिखा सकते हैं पोइट्री की और चिल्ड्रन कैन आल्सो क्रिएट देयर ओन पोइम्स तो बाज़ बच्चों में ये सलाहियत होती है कि वो खुद अपनी पोइम्स भी बना सकते हैं विच कैन बी शेयर विद द क्लास जो बच्चों को क्लास के साथ वैसे ये एक uh, uh, जज्बा है जो पोइट्री है uh, ये uh, चंद लोगों में होता है जो कन्वर्सेशन तो कन्वर्सेशन जो है ये नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है लैंग्वेज एक्टिविटीज़ में अर्ली चाइल्ड लेवल पर कन्वर्सेशन आर असेंशल फॉर चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट तो टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस वो अपने एक्सपीरियंसिस के बारे में उनसे बात इससे ये होता है कि उनकी एक जो बात करने की एक उनमें झिझक है वो भी दूर होती है दूसरा वो उनमें एक्सप्रेस करने का जज्बा पैदा होता है वो फिर अल्फाज सीखते हैं करेक्शन होती है फ़ीडबैक मिलता है उनको वो अपनी ओपिनियन देते हैं सो टीचर कैन आल्सो मॉडल अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशनल स्किल्स तो टीचर पहले एक जो बातचीत करने के स्किल्स हैं उनके साथ वो मॉडल के तौर पर पेश कर सकता है जैसे लिसनिंग टर्निंग टर्न टेकिंग है कि अपनी बारी का इंतजार करना और किस तरह तस्वीर में भी आपको टीचर उनसे बच्चों से बातचीत करती हुई नज़र आ रही है और फोनिक्स फोनिक्स इंस्ट्रक्शन हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न द साउंड्स एंड लर्नर्स ऑफ़ द एल्फ़ाबेट्स जो ये फोनेटिक्स हैं बच्चों को अल्फाबेट्स और साउंड्स सिखाते हैं उसमें कॉन्सोनेट्स हैं वावल्स हैं जो बच्चे साउंड्स uh, की मदद से सीखते हैं और ये बिल्कुल लैंग्वेज लर्निंग की इब्तदाई एक्टिविटी है तो टीचर्स कैन यूज़ वैरायटी ऑफ रिसोर्स जैसे अल्फाबेट बुक्स हैं सॉन्ग्स हैं गेम्स हैं और फोनिक स्किल्स हैं तो ये थी लैंग्वेज एक्टिवटीज़ एट अर्ली चाइल्ड लेवल पर जो बच्चों को मुखलिफ टीचर यूज़ कर सकते हैं जिनकी मदद से वो लैंग्वेज डिवेल्प कर सकते हैं बच्चों में